राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जिला कांग्रेस हमीरपुर ने पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने सभी उपस्थित लोगों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। अहिंसा के सिद्धांत पर देश को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया और पूरा विश्व उनके सत्य, अहिंसा, स्वच्छता का मार्ग दर्शाने के लिए महात्मा गांधी को याद करेगा। लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी ईमानदारी, सादगी और मजबूत इच्छा शक्ति की प्रतिमा, देश के सैनिकों और किसानों का मान सम्मान बढ़ाने वाले, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देश सदैव तिज्ञ रहेगा। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, अजय शर्मा, मनोज शर्मा, सुनील कुमार, केसी भाटिया, सुमन भारती, होशियार सिंह, कैप्टन रणजीत सिंह, शशि पाल, देवीदास सहनसा, सुनील ठाकुर, पंकज आदि मौजूद रहे। राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पूर्व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम बनाया। आज सुबह पहले कांग्रेस कमेटी ने प्रभात फेरी निकाली और उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी को पुष्प जो थे उनको पुष्प देख चढ़ाकर नमन किया और साथ में ही आज जिला कांग्रेस कमेटी ने ये आपस में ये शिक्षा लेते हुए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने की आज उन्होंने सबने एक शपथ ली है। साथ में ही आने वाले कल में जिला कांग्रेस कमेटी जो है जो हमारे जो राष्ट्रपिता थे उनकी जो मार्गदर्शन था और उन्होंने जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आज सभी ने एक एकजुटता के साथ शपथ ली।